आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने Amazon ऐप से कोई भी प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड से EMI पर हम कैसे परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ 10% का हम डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं। और गाइस, अगर हमारा मन बदल जाता है, अगर हम अपने बुक किए हुए प्रोडक्ट को अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं और पूरा पैसा अपने क्रेडिट कार्ड में हम रिफंड कैसे पा सकते हैं, टू जेड सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से Amazon ऐप पर EMI पर शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने Amazon ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। Amazon ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे Amazon की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देखोगे, Amazon ऐप में जितने भी ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं या जितने भी फेस्टिवल की डील्स चलती रहती हैं, वो सब हमें यहाँ पर होम पेज पर देखने को मिल जाती हैं। अब गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च का। सिंपली हमें यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं Amazon ऐप से EMI पर अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उस प्रोडक्ट का नाम हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, DSLR कैमरा या कोई भी अनदर प्रोडक्ट वो हो सकता है। तो जो भी आप परचेस करना चाहते हैं उसका नाम आप टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैं एक मोबाइल फोन परचेस करना चाहता हूँ जो कि है OnePlus का। तो यहाँ पर सिंपली मैं OnePlus का नाम टाइप करके यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद सिंपली हमें ऊपर की साइड इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद ये सबसे पहले एक फोन है जो कि OnePlus कंपनी का है। इसका जो प्राइस है वो 33,999 रुपए है। तो सिंपली हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर इस तरीके से हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी जितनी भी इमेजेस है वो हमें यहाँ पर इस पेज में देखने को मिल जाएगी। और गाइस अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो इसका मॉडल वगैरह हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसका कोई कलर चूज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। वेरियंट भी हम इसका डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमें इस मॉडल में दो कलर देखने को मिल रहे हैं, एक है ग्रीन और एक है ग्रे। तो अगर हम यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन पर क्लिक करने के बाद ये जो फोन है ये ग्रीन कलर में आप सेलेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो ग्रीन कलर की यहाँ पर इसकी इमेज शो हो रही है और इसका जो प्राइस है 33,999 रुपए है। तो गाइस जो भी हमारे प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पर प्राइस के नीचे लिखा हुआ है नो कॉस्ट EMI अवेलेबल। EMI ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। EMI ऑप्शन पर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, Amazon पे लेटर, डेबिट कार्ड और अदर EMI। तो गाइस देखिए, अगर आपको Amazon की तरफ से पे लेटर की लिमिट मिली हुई है तो पे लेटर के थ्रू भी आप किसी भी प्रोडक्ट की इजिली आप EMI बनवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर Amazon पे लेटर पर क्लिक करेंगे तो हम 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, तो कितने भी महीने की हम यहाँ पर EMI बनवा सकते हैं Amazon पे लेटर की लिमिट से। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद Amazon पे लेटर से आप कितने भी महीने की आप EMI बनवा सकते हैं, वो भी नो कॉस्ट। नो कॉस्ट EMI का मतलब होता है जो हम EMI बनवा रहे हैं उस पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज या कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब दूसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड EMI का। अगर हम यहाँ पर ATM कार्ड से EMI बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम बनवा सकते हैं, लेकिन ये जो फीचर है ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर हम क्रेडिट कार्ड से EMI बनवाना चाहते हैं तो अदर EMI पर अगर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बैंक के हमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बजाज फिनसर्व का। अगर आपके पास EMI कार्ड है तो बजाज फिनसर्व से भी आप EMI बनवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 3 महीने की ये नो कॉस्ट EMI बन जाएगी हमारे इस प्रोडक्ट की। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड से किसी भी प्रोडक्ट की EMI हम कैसे बनवा सकते हैं इस बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, काफी सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड के नाम हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि Amazon पे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, HDFC, ICICI, SBI और भी काफी सारे बैंक के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से किसी भी बैंक का अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम यहाँ पर इजिली EMI बनवा सकते हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऊपर की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू ओनली नो कॉस्ट EMI ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे तो हमें सिर्फ वही बैंक के क्रेडिट कार्ड शो होंगे जिस पर कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर बजाज फिनसर्व EMI कार्ड, Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, HDFC, ICICI और SBI, इन सब क्रेडिट कार्ड पर कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। बस प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि 199 रुपए की होती है, जो कि बैंक की तरफ से लगती है। इसके अलावा कोई भी अदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। अगर गाइस नो कॉस्ट EMI ऑप्शन को अगर हम इस तरीके से ऑफ कर देंगे तो ऑफ करने के बाद सारे क्रेडिट कार्ड हमें शो होंगे। इन सारे क्रेडिट कार्ड में कुछ में इंटरेस्ट लगता है और कुछ में इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो नो कॉस्ट EMI को हम ऑन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें वही क्रेडिट कार्ड शो रहे हैं जिन पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो गाइस देखिए, मेरे पास Amazon पे ICICI बैंक का भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, HDFC बैंक का भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और SBI बैंक का भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। तो गाइस देखिए, इन तीनों में से किसी भी एक क्रेडिट कार्ड से मैं EMI बनवा सकता हूँ। तो गाइस मैं Amazon पे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI में बनवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दो प्लान देखने को मिलेंगे, एक है 3 महीने का और दूसरा है 6 महीने का। तो गाइस देखिए, 3 महीने की अगर मैं EMI बनवाता हूँ तो जो पर मंथ
की इंस्टॉलमेंट होगी जो ईएमआई होगी वो हमें पे करनी पड़ेगी 11,333 रुपए, जिसमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 886 रुपए का। लेकिन जब हम इस प्रोडक्ट को बुक करेंगे तो 886 रुपए का ही हमें तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से नो कॉस्ट ईएमआई बनेगी, कोई भी इस तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और गाइस अगर हम 6 महीने की इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो ईएमआई पर मंथ हमें पे करनी पड़ेगी 5,667 रुपए की, जिसमें 1531 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन वही 1531 रुपए हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। अगर गाइस देखिए आप किसी और क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बनवा रहे हैं तो आप क्लिक करके उसके टेन्योर को आप इजिली चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से बनवाता हूँ तो इसमें भी सेम प्लान है। अगर मैं एसबीआई से करवाता हूँ तो एसबीआई में भी सेम प्रोसेस है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, अगर किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर हम ईएमआई बनवा रहे हैं तो इसमें हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए कि प्रोसेसिंग फीस लग रही है या फिर नहीं। तो आप देखिए, जैसे अगर मैं अमेजोन पे के क्रेडिट कार्ड से अगर मैं ईएमआई बनवा रहा हूँ तो 199 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जो कि बैंक की तरफ से लग रही है। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, और जिसमें प्रोसेसिंग फीस शो नहीं हो रही है उसमें कोई भी इस तरह का चार्ज या कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो अगर हम अपने किसी ओल्ड फोन को यहाँ से एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज भी हम यहाँ से कर सकते हैं अपने फोन के मॉडल को यहाँ पर एंटर करके, और जितने रुपए की भी हमारी फोन की वैल्यू होगी उतना हमें डिस्काउंट मिल जाएगा इस फोन को बुक करने पर। अब गाइस अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो हमारा फोन, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे घर पर कब तक डिलीवर होगा उसकी डेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो 2 अगस्त तक हमारा ये जो फोन है ये हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा। आज जो डेट है वो 31 जुलाई है, मतलब 2 दिन के अंदर हमारा प्रोडक्ट हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो गाइस देखिए, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करवाने पर या टोटल फुल पेमेंट करने पर हमें तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाता है 1,500, 2,000 या 3,000 रुपए तक का। तो उसको देखने के लिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एक्स्ट्रा विद ऑफर। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑफर्स भी यहाँ पर चलते रहते हैं, तो इनका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड के हिसाब से अलग अलग डिस्काउंट मिलते रहते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर ऑफर की डिटेल को पढ़कर उस हिसाब से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इसमें 10% से लेकर 15% तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब गाइस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए सिंपली हमें बाय नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एड्रेस देखने को मिलेगा, तो जिस भी एड्रेस पर हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, उस एड्रेस को हमें सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर गाइस हम नया एड्रेस ऐड करना चाहें तो ऐड अ न्यू एड्रेस का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, फ्लैट, हाउस नंबर, एरिया, सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क, यहाँ से हम अपने एड्रेस को फिल कर सकते हैं। तो हमारा एड्रेस इसमें ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ से हम डिलीवर टू दिस एड्रेस कर देते हैं। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। अब गाइज यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो पेमेंट मेथड यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर किसी भी पेमेंट मेथड से हम अपने प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टॉप पे अगर हमारे अमेजोन के वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ होगा तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो अमेजोन पे बैलेंस में 1967 रुपए पड़े हुए हैं, तो अगर हम इससे पेमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और बाकी की पेमेंट हमारे क्रेडिट कार्ड से हो जाएगी। लेकिन अगर हम ईएमआई बनवाते हैं तो ये वॉलेट बैलेंस को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो अगर बजाज फिनसर्व के क्रेडिट कार्ड से अगर प्रोडक्ट पर ऑफर होगा तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। और भी काफी सारे पेमेंट मेथड में हमें नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बनवाने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। अब हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर कार्ड डिटेल, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। एंटर कार्ड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से हम ईएमआई बनवा रहे हैं उस बैंक के क्रेडिट कार्ड के नंबर को हमें एंटर कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये मेरा अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक का ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसी से ही मैं ईएमआई बनवा रहा हूँ। तो चलिए क्रेडिट कार्ड के नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर को हम फिल कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर को फिल कर दिया, उसके बाद हम एंटर कार्ड डिटेल कर देंगे। हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो अब अमेज़न ऐप में सेव हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, हमारे अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको ऐड कर लिया अपने अमेजोन ऐप में। अब गाइस यहाँ पर नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे इन फुल। अगर हम यहाँ पर पे इन फुल ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद बहुत सारे हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर पे इन फुल करके पेमेंट कर देंगे तो 33,999 रुपए का हमारा जो फोन है इतना अमाउंट हमारे क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और डायरेक्टली हमारी फुल पेमेंट हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी ईएमआई बनवाना आते हैं तो नीचे की साइड हमें बहुत सारे ईएमआई के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर हम 3 महीने या 6 महीने की ईएमआई बनवाते हैं तो ये नो कॉस्ट है, कोई भी इस तरह का इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम 3 महीने, 6 महीने ज्यादा की ईएमआई बनवाते हैं, 9, 12, 18 या 24 महीने की, तो इसमें हमें 15.99% का इंटरेस्ट पे करना होता है, मतलब लगभग 16% का इसमें हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो गाइस देखिए, आप अपने अमेज़न ऐप में जाकर पेमेंट के इसी पेज पर आकर आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि कितने मंथ की ईएमआई पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। ये अलग अलग
प्रोडक्ट पर अलग अलग हिसाब से होता है। किसी किसी प्रोडक्ट पर 9 और 12 महीने पर भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो गाइस देखिए, मुझे ये 6 महीने की ईएमआई बनवानी है क्योंकि 6 महीने की ईएमआई पर कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, नो कॉस्ट लिखा हुआ है और 5,667 रुपए हमें हर महीने पे करने होंगे 6 महीने तक। तो चलिए यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, अगर हम 6 महीने वाला प्लान ले रहे हैं तो 1531 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन यही हमें 1531 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और हमें टोटल पे करने होंगे 33,999 रुपए, जो कि ओरिजिनल प्राइस है हमारे फोन का। और गाइस देखिए, जब हमारे प्रोडक्ट की पहली ईएमआई बनेगी तो 199 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो कि हमारी पहली ईएमआई में ही ऐड हो जाएंगे और उसको हमें पे करना होगा। और गाइस बाकी की जो हमारी 5 ईएमआई बचेंगी उसमें कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा, बस पहली ईएमआई में ही 199 रुपए एक्स्ट्रा ऐड उसमें हो जाते हैं, जो कि हमें पे करने होते हैं। तो चलिए, इसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चूज ईएमआई प्लान का, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। हमारा ये जो ईएमआई अब सेलेक्ट हो चुका है, अब हमें अपने क्रेडिट कार्ड का सीवीवी एंटर कर देना है, जो कि कार्ड के बैक साइड पर लिखा हुआ होता है 3 डिजिट का। तो गाइस हमने सीवीवी एंटर कर लिया है, उसके बाद हमें सिंपली कंटिन्यू यहाँ से कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ऊपर की साइड हम स्क्रोल कर लेंगे। स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 1530 रुपए का हमें तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट आप देख सकते हो 1530 का हमें मिल चुका है और ये 40 रुपए डिलीवरी चार्ज लग रहा है, जो कि 40 रुपए ही यहाँ पर माइनस हो चुके हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी हमारे घर पर हो जाएगी और कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप यहाँ पर मेरे प्राइस लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमारी जो मंथली ईएमआई बन रही है वो 5,666 रुपए 50 पैसे की बन रही है, जो कि हमें 6 महीने तक पे करने होंगे। तो 33,999 रुपए आप देख सकते हो, यही हमारा टोटल अमाउंट है। तो चलिए, प्लेस योर ऑर्डर का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद जो अमेजोन ऐप है, ये हमारे डायरेक्टली बैंक के पेज पर हमें रिडायरेक्ट कर देगा। तो जो भी परमिशन अमेजोन ऐप मांगता है उसको हमें सिंपली अलाउ कर देना है। हमारे क्रेडिट कार्ड से कटेंगे 32,468 रुपए। तो हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो ओटीपी हम यहाँ से फिल कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने ओटीपी को एंटर कर लिया है। ओटीपी को एंटर करने के बाद सिंपली नीचे की साइड हमें सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। सबमिट ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद हमारी जो पेमेंट है वो हमारे क्रेडिट कार्ड से हो रही है। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ऊपर की साइड लिखा हुआ है ऑर्डर प्लेस थैंक यू। तो गाइज अब जो हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है और यहाँ पर नीचे की साइड हमारा एड्रेस भी शो हो रहा है। तो जो भी एड्रेस हमने फिल करा होगा वो हमारा एड्रेस यहाँ पर नीचे की साइड शो होने लगेगा। और यहाँ पर नीचे की साइड वेडनेसडे की डेट हमें दी गई है 2 अगस्त, तो 2 अगस्त तक हमारा ये जो फोन है ये हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, हमारे अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से 32,468 रुपए और 7 पैसे का जो अमाउंट है वो यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है, कट हो चुका है। अब गाइस देखिए, अमेजोन ऐप से हमने अपने मोबाइल फोन को तो ऑर्डर कर दिया है, प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर बुक कर लिया है, बाय कर लिया है क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर। अब अगर हम अपने ऑर्डर को देखना चाहें तो ऑर्डर को देखने के लिए सिंपली हमें यू ऑप्शन पर इस तरीके से हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड योर ऑर्डर का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड लिखा हुआ है अराइविंग वेडनेसडे, तो ये वो फोन है जो हमने अभी अभी बुक करा है अपने क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर हमारा ऑर्डर शो हो रहा है। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी हमने प्रोडक्ट परचेस करा है अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से, तो गाइस हमारे क्रेडिट कार्ड से जो प्रोडक्ट का अमाउंट होता है वो तुरंत कट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है और 2 से 3 दिन के अंदर हमारा जो टोटल अमाउंट होता है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, जितने महीने की भी हमने ईएमआई बनवाई होगी, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। अब गाइस देखिए, अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर हम अमेजोन ऐप पर ईएमआई पर अगर हम शॉपिंग करते हैं और अगर हमारा मन बदल जाता है, अगर हम अपने प्रोडक्ट को कैंसिल करना चाहें और सारा पैसा, टोटल पैसा अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड में रिफंड लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान प्रोसेस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शिफ्ट होने से पहले पहले हम अपने किसी भी बुक किए हुए ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑर्डर टुडे लिखा हुआ है, तो आज हमने इसको ऑर्डर कराई, ये अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, तो शिफ्ट होने से पहले इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैंसिल ऑर्डर का, तो इसको कैंसिल करने के लिए सिंपली हमें कैंसिल ऑर्डर पर इस तरीके से हमें क्लिक कर लेना है। कैंसिल ऑर्डर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कैंसिलेशन का कोई एक रीजन देना होगा, तो ये जरूरी नहीं है, अगर आपका मन है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए यहां से मैं कर देता हूं ऑर्डर क्रिएटेड बाय मिस्टेक, उसके बाद यहां से हम कैंसिल चेक आइटम पर क्लिक कर देते हैं। कैंसिल चेक आइटम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल फोन है, जो भी आइटम हमने परचेस करा है, वो यहां पर तुरंत कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कैंसिल्ड ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करके अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो हमने जो मोबाइल फोन परचेस करा था वो यहां पर कैंसिल्ड अब हो चुका है। अब अगर हम यहां पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो परचेस करने का पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। तो
हमने यहाँ पर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। अब गाइज अगर हम यहाँ पर अमेजोन पे वाले ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो अमेजोन पे का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ट्रांजेक्शन को देखने के लिए नीचे की साइड हमें ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 32,468.07 ये अमाउंट हमारे क्रेडिट कार्ड से कट हुआ था जब हमने अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था। उसके बाद देखिए जब हमने अपने प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया था तो ये जो अमाउंट है 32,468.07 ये रिफंड कर दिया गया है अमेजोन की तरफ से, और हमारे अमेजोन पे ICICI के क्रेडिट कार्ड में 5 अगस्त तक ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा, मतलब आ जाएगा उसमें शो होने लगेगा। तो ये तुरंत हमारे जो पैसा है ये अमेजोन की तरफ से रिफंड कर दिया जाता है प्रोडक्ट को कैंसिल करने के बाद। तो गाइस आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका कितना ही महंगे से महंगा आपका प्रोडक्ट हो 100% आपका पैसा कैंसिल करने पर आपके क्रेडिट कार्ड में जिस भी पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट करी है उसमें रिफंड आ जाता है। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप अमेजोन ऐप पर EMI पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर आप अपने प्रोडक्ट को कैंसिल करके पैसा रिफंड लेना चाहें तो आप रिफंड भी ले सकते हैं जिस तरीके से मेरा आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।